हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं खड़ा हूँ भारत ह्यूंडई में आपको दिखाने सबसे पहले द ऑल न्यू ह्यूंडई अल्काज़ार, जो इसका नया वेरिएंट लॉन्च हुआ है। फेसलिफ्ट जो इसका लॉन्च हुआ है वो आपको लोगों को दिखाने। पीछे ही खड़ी है, बहुत ही प्यारी सी कार है, बहुत अच्छा खासा डिज़ाइन के साथ अभी ये ह्यूंडई ने इसको ऑफर किया है। तो जल्द से जल्द शुरू करते हैं विद द वीडियो, बट शुरू करने से पहले बस एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आप सभी व्यूअर्स से, हमेशा की तरह अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब वाला बटन दबा दो एंड वो बेल आइकन को भी ऑन कर लो ताकि आपको सारे के सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले मेरे चैनल पर देखने को मिल जाए। एंड चलिए शुरू करते विद द वीडियो, विदाउट एनी फर्दर अडू विद द इंट्रो। सो गाइस, ये है द ऑल न्यू ह्यूंडई अल्काज़ार, बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन के साथ अभी ये ऑफर किया है। तो सबसे पहले हम लोग इसका चाबी देख लेते हैं। आपको सामने की तरफ लॉक अनलॉक होल्ड का बटन और बूट रिलीज करने का बटन देखने को मिल जाता है, मतलब बूट अनलॉक करने का बटन। होल्ड बटन के साथ ऑफकोर्स आप इस गाड़ी को रिमोटली स्टार्ट कर सकते हो। पीछे की तरफ आपको ह्यूंडई का लोगो भी देखने को मिल जाता है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इस गाड़ी का जो इंजन है वो हम लोग चेकआउट कर लेते हैं। इंसुलेशन के साथ प्रोवाइड किया गया है। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं विद द फ्रंट प्रोफाइल। सबसे पहले बता दूं ये सिग्नेचर टॉप एंड वेरिएंट है जिसमें आपको मतलब सब कुछ फीचर्स लोडेड मिल जाता है। ये 1.5 टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ इसको ऑफर किया गया है, दिस इज द ऑटोमेटिक वर्जन। सबसे पहले इसका फ्रंट प्रोफाइल हम लोग चेकआउट कर लेते हैं। आपको नया कनेक्टेड DRL वाला जो डिज़ाइन ह्यूंडई ने हाल ही में लॉन्च किया है वही वाला डिज़ाइन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है, जो हम लोगों ने क्रेटा में भी देखा था। यहाँ पे आपको ह्यूंडई का मैट फिनिश में लोगो देखने को मिल जाता है। नीचे की तरफ आपको कैमरा भी देखने को मिल जाता है क्योंकि इस गाड़ी में आता है 360 डिग्री कैमरा। और सामने की तरफ आपको दो पार्किंग सेंसर्स, दो नहीं चार पार्किंग सेंसर्स भी इस बार ऑफर कर दिया गया है। और नीचे की तरफ आपको रेडार भी मिलता है और यहाँ पर दिया गया आपको सेंसर्स वगैरह इंक्लूडिंग द रेडार, बिकॉज दिस कार इज इक्विप्ड विद ADAS। तो सेफ्टी में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ इस बार नहीं किया गया है। यहाँ पे आपको LED में हेडलाइट देखने को मिल जाता है, क्वाड LED सेटअप में दिया गया है। बहुत ही अच्छा खासा थ्रो है, नाइट टाइम में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी इस गाड़ी में ड्राइव करने में। और दिस इज द इंडिकेटर्स ऑफ द कार। अनलॉक किया मैंने, आपने देखा कि जो साउंड है वो अभी थोड़ा प्रीमियम टाइप का साउंड दिया गया है। इसका जो ग्रिल है बहुत ही बोल्ड सा ग्रिल दिया गया है जिससे इस गाड़ी को और भी माचो सा एक लुक दे दिया गया अभी। और इसका जो रोड प्रेजेंस है और वो भी अच्छे से अभी इस गाड़ी में निखर के आता है। तो ये था इसका फ्रंट प्रोफाइल। चले चलते इसके साइड प्रोफाइल की तरफ। साइड प्रोफाइल में सबसे पहले जो नज़र में आएंगे वो है नया डिज़ाइन ऑफ द अलॉय व्हील्स। बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन अभी इस गाड़ी में दिया गया है जिसका प्रोफाइल है 215x55R18। 18 इंच के व्हील्स है, बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन के साथ ये आता है। सामने पीछे दोनों ही आपको डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाता है। साइड से बहुत कुछ चेंजेस तो है नहीं, लेकिन आपका जो व्हील आर्चेस है वो आपको बॉडी कलर में देखने को मिल जाएगा इन द ब्लैक फिनिश, जो इस गाड़ी को एक अप मार्केट लुक दे देता है। नीचे की तरफ आपको एक सिल्वर में स्किड प्लेट देखने को मिलेगा। ऊपर की तरफ फंक्शनल रूफ रेल देखने को मिल जाएगा अलॉन्ग विद पैनोरामिक सनरूफ। आपको मैट फिनिश में दिया गया है मिडिल पिलर और ये ग्लॉसी सा एलिमेंट दिया गया है जो इस गाड़ी का लुक को और बेहतर बना देती है। ORVM के नीचे आपको कैमरा देखने को मिल जाएगा। DCT का लोगो भी यहाँ पे, बैच भी आपको यहीं पे देखने को मिल जाएगा। आपको रिक्वेस्ट सेंसर्स दिया गया हैंडल में सामने की तरफ। अच्छा खासा लेंथ है अल्काज़ार का जो बहुत ही खूबसूरत बना देता है इस गाड़ी को। सो दिस इज द कार एट अ ग्लांस। दीज आर द की 6 सेफ्टी फीचर्स एंड दीज आर द कलर ऑप्शंस फॉर द कार। तो ये था इसका साइड प्रोफाइल। अब चलिए चलते इसके पीछे की प्रोफाइल की तरफ। तो पीछे के लुक में सबसे पहले अल्काज़ार का जो बैजिंग है वो आपको इस बार ग्लास में देखने को मिल जाता है, ग्लास के अंदर ही। एंड इसका जो रियर का टेल लैंप है वो फुल्ली LED में आपको दिया गया है और बहुत ही खूबसूरत से लगता है दूर से। नीचे की तरफ आपको सिग्नेचर का बैजिंग भी देखने को मिल जाता है। अल्काज़ार का ब्रांडिंग तो मैंने आपको बता ही दिया। और इस तरफ आपको मिल जाता है टर्बो का बैजिंग और नीचे इस तरफ आपको दिया गया है पार्किंग कैमरा और नीचे की तरफ आपको मिल जाएगा पार्किंग सेंसर्स और ये सिल्वर में आपको स्किड प्लेट देखने को मिलेगा। नीचे की तरफ डुअल एग्जॉस्ट भी देखने को मिल जाएगा और ये आपका रिफ्लेक्टर्स वगैरह भी यहाँ पे प्रोवाइड करवा दिया गया है। अच्छा खासा लुक इस गाड़ी को भी पीछे से भी प्रोवाइड करवा दिया गया है। और ये है इसका रियर वाइपर, फॉग आपका डीफॉगर, हाई माउंट स्टॉप लैंप विद इंटीग्रेटेड स्पॉइलर, शार्क फिन एंटेना, एवरीथिंग इज ऑफर्ड
अब चलिए इसका बूट स्पेस चेकआउट कर लेते हैं। सो दिस इज़ द बूट स्पेस ऑन ऑफर। आपको अच्छा खासा बूट स्पेस अल्काज़ारा में देखने को मिल जाता था और इसी में भी वही स्टोरी है। और ये आपका ये जो थर्ड रो सीट से अगर इसको ऊपर कर देते हो तो आपको इस तरीके का बूट स्पेस यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और इसका जो स्पेयर व्हील है वो ऑफकोर्स नीचे की तरफ प्रोवाइड करवा दिया गया है, टूल किट्स वगैरह यहाँ पे दे दिया गया है। और ऐसे दिखता है गाड़ी का इंटीरियर्स। तो चलिए बंद करते इसका बूट एंड चलते जल्द से जल्द इस गाड़ी के अंदर। तो गाइस चलिए चलते इस गाड़ी के अंदर। सबसे पहले डोर का जो लेआउट है वो बहुत ही खूबसूरत सा है। आपको डुअल टोन इंटीरियर के साथ अभी ये ऑफर किया गया है। यहाँ पे आपको लेदर में रैपिंग देखने को मिलेगा अलॉन्ग विद स्टिचेस। यहाँ पे पावर विंडो के कंट्रोल और ये है वेंटिलेशन सीट। यस गाइस, अभी इस अल्काज़ार में पीछे में जो कैप्टन सीट प्रोवाइड किया गया है सेकेंड रो में, दोनों ही आपको वेंटिलेशन सीट्स मिल जाता है। और ये आपका अंडर थाई सपोर्ट जो आप इसको ऐसे एक्सटेंड भी कर सकते हो, थम्स अप फॉर दैट। आपको इंडिविजुअल आर्मरेस्ट भी देखने को मिल जाता है और ये अच्छा एक हेडरेस्ट भी दिया गया है जिसमें आप लॉन्ग ड्राइव में अगर सो भी जाते हो तो आपका सर इधर उधर नहीं होगा। बहुत ही अच्छा सा एक डिज़ाइन ह्यूंडई ने प्रोवाइड किया है। बोस का स्पीकर, बॉटल होल्डर सब कुछ प्रोवाइड करवा दिया गया है। दीज आर द सन ब्लाइंड्स जो आप ऐसे इसको लगा दोगे। तो चलिए चलते अभी इस गाड़ी के अंदर। इसमें जो लेग रूम है अगर आपको बढ़ाना है तो अभी आप क्या करोगे, यहाँ पे दे दिया गया है इसका कंट्रोल्स, इस सीट का कंट्रोल, जिससे आप इस सीट को आगे भी कर सकते हो और इसका जो रिक्लाइन एंगल है उसको भी कंट्रोल कर सकते हो। सो आपको इनफ लेग रूम इसमें देखने को मिल जाता है अलॉन्ग विथ नी रूम। अंदर थाई सपोर्ट तो मेरे लिए सफिशियंट है, लेकिन मेरे से भी जो लंबे लोग होंगे उनके लिए ये एक्सटेंड करने का जो फीचर है वो काम में आएगा। और ये जो आपका हैंडरेस्ट है वो बहुत ही खूबसूरत सा सपोर्ट आपके आर्म को दे देता है। सबसे पहले मैं इसको खोल लेता हूँ ताकि थोड़ा बहुत लाइट आ जाए। ऐसा दिखता है इसका डैशबोर्ड और हेडरूम की कमी बिल्कुल भी नहीं है। और आप देख सकते हो जैसे कि इस हेडरेस्ट ने कितने अच्छे तरीके से मेरे सर को कैप्चर किया है, तो मैं इधर उधर बिल्कुल भी नहीं होऊंगा। सेकेंड रो सीट में आपको मिल जाता है इस बार वायरलेस चार्जर फॉर योर फोन अलॉन्ग विद टू USB टाइप सी का सॉकेट। और दो AC वेंट्स तो दे ही दिया गया है पीछे के पैसेंजर्स के लिए। यहाँ पे आपको आ जाता है इसका टेबल, आप यहाँ पे कुछ खाना पीना भी कर सकते हो, थम्स अप फॉर दैट। यहाँ पे एक हम्प्स आपको मिलता है, लेकिन आप ऐसे ही चले जाओगे इसके पीछे थर्ड रो सीट्स में। अच्छा खासा स्पेस आपको सेकेंड रो सीट्स में ऑफर कर दिया गया है। पैनारोमिक सनरूफ भी आता है जो कि मैं आपको थोड़ी देर के बाद दिखाऊंगा। तो चलिए थर्ड रो सीट्स में सबसे पहले यहाँ का स्पेस थोड़ा चेकआउट कर लेते हैं। देयर यू गो। जब पूरा सीट आपका पीछे की तरफ हो तब आप अच्छे से यहाँ पे नहीं बैठ पाओगे, यहाँ पे लेग रूम की कमी आपको ज़रूर महसूस होगी। यहाँ पे आपको दो कप होल्डर्स, एक कप होल्डर और एक आप यहाँ पे फ़ोन वगैरह रख सकते हो, USB टाइप सी का सॉकेट। तो चार्जिंग के लिए आपको सामने वाले बंदे से लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पे अपना फ़ोन चार्ज कर सकते हो। AC वेंट, क्वार्टर ग्लास पैनल जो मैंने आपको बाहर से देखा था, खूबसूरत सा बाहर से दिखता है। और यहाँ पे इसका यूजेज भी आपको क्लॉस्ट्रोफोबिक फील नहीं होगा। सेम गोज हियर, आपको यहाँ पे AC के कंट्रोल देखने को मिल जाएगा थर्ड रो के लिए। और ये इसका पावर सॉकेट फॉर द सेकंड पैसेंजर इंडिविजुअली, तो इसको भी इसके साथ लड़ने की ज़रूरत नहीं है, सब लोग इंडिविजुअली अपने डिवाइसेस चार्ज कर सकते हैं। और ये आता है आपका एडजस्टेबल हेडरेस्ट के साथ जो अच्छा खासा आपको सपोर्ट दे देता है। हेडरूम की कोई कमी मेरे लिए तो है नहीं। और यहाँ पे आपको लाइट्स भी दे दिया गया है, दो LED लाइट्स दिया गया है। तो ऐसा दिखता है इसका डैशबोर्ड फ्रॉम द लास्ट रो। तो ये था इसकी पीछे की कहानी। अब चलिए चलते हैं इसका फ्रंट रो सीट्स या फिर ड्राइवर सीट के पास। तो गाइस चलिए चलते हैं अभी इसके अंदर। सबसे पहले ये जो हैंडल बार है ना, आपको ऊपर की तरफ एक डार्क में क्रोम दिया गया है चारों हैंडल में, जो मैं पहले आपको बताना भूल गया था। और ORVM में आपको दिया गया है ब्लाइंड व्यू मॉनिटर, थम्स अप फॉर दैट। ड्राइवर का जो डोर है इसमें आपको पहले ही जो दिखेगा टू मेमोरी सीट फंक्शंस, मतलब ड्राइवर साइड का सीट तो आपको 8-way एडजस्टेबल इलेक्ट्रिकली मिल ही जाता है, लेकिन पैसेंजर सीट भी आपको इस बार इलेक्ट्रिकली एडजस्टमेंट के साथ दिया गया है एंड ऑल्सो 8-way एडजस्टमेंट्स के साथ। यहाँ पे आपको ORVM के कंट्रोल, लॉक अनलॉक विंडो का कंट्रोल सब कुछ दे दिया गया है। बोस का स्पीकर, ट्विटर, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड। बॉटल रखने का जगह, अच्छा खासा विंडो का स्पेस, लेदर रैप किया गया है इस वाले पोर्शन को, बाकी आपको हार्ड प्लास्टिक में मिलेगा। एंड फिट एंड फिनिश इज टॉप नॉच फॉर दिस कार।
दिस इज द इंटीरियर एट अ ग्लांस। चले चलते इसके अंदर। यहाँ पे प्रोवाइड किया गया इसका स्टार्ट स्टॉप बटन। सबसे पहले गाड़ी को थोड़ा चालू कर लेते। फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, पूरा ग्लास पैनल। इंटीरियर अभी स्टैंडर्ड ह्यूंडई के जो कार्स में आ रहे वैसे ही इसको अपडेट कर दिया गया है। आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम में एप्पल कार पे एंड्रॉयड ऑटो दोनों ही मिलेगा, लेकिन वायर्ड मिलेगा, नॉट वायरलेस। ओआरवीएम आपको ऑटो डिमिंग वाला ही दिया गया है। यहाँ पे आपको ब्लू लिंक का बटन, टोइंग बटन, एसओएस का बटन दे दिया गया है। सनग्लास होल्डर, दिस इज द पैनोरामिक सनरूफ। थोड़ा खोल के गाड़ी के अंदर लाइट्स को बढ़ा देते हैं ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। मूविंग ऑन टू द स्टीयरिंग व्हील, आपको फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील मिल जाता है जो आपको ह्यूंडई के गाड़ियों में दिखा ही होगा। इस तरफ आपको इंफोटेनमेंट से रिलेटेड कंट्रोल्स और इस तरफ आपको एडास से रिलेटेड कंट्रोल्स और इंफोटेनमेंट सिस्टम आपका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है उसको कंट्रोल करने का बटन यहाँ पे दे दिया गया है। दिस कम्स विद पैडल शिफ्टर्स, थम्स अप फॉर दैट। एंड अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब वाला बटन दबा दो, एंड लाइक नहीं किया है तो जल्द से जल्द लाइक भी कर दो, क्योंकि ऐसे ही कॉन्टेंट मैं जो बना रहा हूँ आप लोगों के सपोर्ट के साथ वो और डबल ट्रिपल हो जाएगा और मुझे भी थोड़ा अच्छा लगता है आप लोग जब सपोर्ट करते हो। एंड टर्न ऑन दैट बेल आइकन फॉर एवरी नोटिफिकेशन ऑफ माई चैनल। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टीयरिंग व्हील जो आपको बोट टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक के साथ ऑफर किया गया है, आपको एक कंटिन्यूस फील देगा। ये डैशबोर्ड का जो लेआउट है, एसी वेंट्स नीचे की तरफ, वहाँ पे एसी वेंट, ये कंटिन्यूएशन किया गया है। आप मोबाइल फोन यहाँ पर रख सकते हो। एसी जो है आपको डुअल जोन दिया गया है। इस तरफ आपको दे दिया गया है ऑटो स्टार्ट स्टॉप बटन, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ करने का बटन, फ्रंट पार्किंग सेंसर्स का बटन, और ये है आपका हेडलैम्प लेवलर। यहाँ पे दे दी गई है आपको मैग्नेट, अगर आपको यहाँ पे कुछ लगना है, चिपकाना है। सेंट्रली माउंटेड स्पीकर है, ट्विटर वगैरह सब कुछ ऑफर कर दिया गया है। दिस इज द क्यूट सा देखने वाला गियर का लीवर, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, ऑटो होल्ड फंक्शनैलिटी के साथ 360 डिग्री कैमरा भी आपको इसमें देखने को मिल जाता है। आपको कोई भी व्यू आपको यहाँ पे देखना है आप प्लस माइनस कर सकते हो। एंड दिस इज द 3D व्यू, अच्छा खासा डिसेंट क्वालिटी के साथ ये आता है। आप यहाँ से कोई भी लुक, टॉप व्यू, साइड्स के व्यू, सब कुछ यहीं से आप ऑपरेट कर सकते हो, मतलब यहीं से आप देख सकते हो। नीचे की तरफ आपको वायरलेस चार्जिंग फॉर योर फ़ोन, USB टाइप सी सॉकेट, 12 वोल्ट का पावर सॉकेट, USB सॉकेट, सब कुछ मिल जाएगा। वेंटिलेशन सीट्स आपको सामने के दो पैसेंजर सीट्स में भी आपको मिल जाएगा, सो नो इशू इन दैट। और यहाँ पे दे दिया गया आपको ग्लव बॉक्स जो कि है आपका कूल्ड एंड अच्छा खासा डीप भी है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी अपने स्टोरेज के लिए। दिस आर्म रेस्ट ऑल्सो ओपन्स एंड इट इज़ अच्छा खासा डीप भी है यार, तो आपको स्टोरेज में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। एंड दिस इज स्लाइडेबल, तो नो इशू इन दैट। कम्फर्ट के मामले में अल्काज़र जैसे थी अभी भी वैसा ही है, सो उसमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल ही नहीं किया गया है। यहाँ पे आपको टिकट होल्डर देखने को मिलेगा, कोई भी मिरर देखने को नहीं मिलेगा। इस तरफ आपको मिरर देखने को मिल जाएगा, लेकिन कोई भी लाइट ऑफर नहीं किया गया है। लाइट आपको इसी से काम चलानी पड़ेगी। एंड दिस इज़ द पैनोरामिक सनरूफ, इसको भी खोल के मैं दिखा देता हूँ पूरा। तो जैसे कि आप देख सकते हो अच्छा खासा ओपनिंग आपको इसमें मिल जाता है, मज़े कर सकते हो आप। और यहाँ पे आपको विंड डिफ्लेक्टर भी देखने को मिल जाता है। तो चलिए सिर्फ कांच वाला हिस्सा बंद कर देते हैं। आपको डैशबोर्ड में हर जगह हार्ड प्लास्टिक ही देखने को मिलेगा, कोई भी लेदर रैपिंग यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पे जो क्वालिटी आपको दिया गया है वो बहुत ही अच्छा खासा टॉप नॉच क्वालिटी आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको एक छोटा सा एम्बिएंट लाइटिंग भी दिया गया है, तो इस गाड़ी को और निखारती है और अच्छा लुक भी बना देती है रात के टाइम में। बोट का स्पीकर्स, यहाँ पे फ़ोन वगैरह रख सकते हो। इसको मैं एक बार कंट्रोल करके आपको दिखा देता हूँ। दे यू गो, देखिए ऐसे आप चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हो। टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी इसमें आ जाता है। और ये है आपका ड्राइव एंड ट्रैक्शन मोड सिलेक्टर जो हर कार में ह्यूंडई में मोटा मोटी आता है, SUVs में। डेटा वगैरह में आपने देखा ही होगा, ट्रैक्शन, स्नो, मड, स्लैंड और ड्राइव, इको। आपका डायल्स भी चेंज होते रहते हैं। स्पोर्ट्स में रेड हो जाता है, सो थम्स अप फॉर दैट। और गाइस नीचे की तरफ आपको पैडल्स जो मिलता है वो आपको नॉर्मल से ही मिलता है, और यहाँ पे आपको डेड पैडल भी ऑफर कर दिया गया है। तो दैट वाज प्रीटी मच एवरीथिंग अबाउट द फ्रंट सीटिंग पोजीशन ऑफ द कार। तो अब चलिए चलते इस गाड़ी के बाहर। गाइस दैट वाज द वीडियो फॉर द ऑनली ह्यूंडई अल्काज़र सिग्नेचर पेट्रोल वेरिएंट, सबसे टॉप मोस्ट वेरिएंट। अगर आपको अच्छा लगे तो जल्द से लाइक बटन दबा दीजिए, एंड अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब वाला बटन दबा के बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए मेरे चैनल के बारे में। एंड मैं आया हूँ भारत ह्यूंडई में
थैंक्स टू देम कि उन्होंने ये गाड़ी मुझे दी है आप लोग को दिखाने के लिए। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में बहुत सब कुछ डिटेल्स देखने को मिल जाएगा अलॉन्ग विद योर गूगल मैप लिंक्स एंड फोन नंबर। अगर आपको कोई भी हिंडा की गाड़ी देनी है आप जल्द से जल्द यहाँ पे आकर ले सकते हो, बहुत ही अच्छा खासा एम्बियंस आपको देखने को मिल जाएगा। थैंक यू फॉर बीइंग अप टिल द एंड ऑफ द वीडियो एज वेल। चलता हूँ एंड मिलता हूँ आपसे एक नए वीडियो पे, तब तक के लिए पीस।